की शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की श्रुत संवेगी समण मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की तीन कम नौ करोड़ महामुनिराजों की सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमो सुनबद्ध कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य सुसंवेगी समण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। ग्वालियर से गरिमा जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, मैं क्षत्रिय हूँ पर मैं जैन धर्म को मानती हूँ और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को भी मानती हूँ, जैन धर्म भी जाती हूँ, जैन मंदिर भी जाती हूँ, मेरी समस्या ये है कि मुझे जैन लड़के से विवाह करना है, हम दोनों बचपन के मित्र हैं और अब हमने फैसला किया है कि शादी को वो राजी है, बस हम कुछ सब कुछ महाराज से आशीर्वाद लेंगे और चाहते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे समाधान दें कि शादी कर सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छी बात, देखिए जैन दर्शन में किसी भी कार्य का निषेध नहीं है, बस वो मर्यादित हो और समय पर हो और जो उसकी रूपरेखा है उसके अनुसार हो। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य इनका परस्पर में विवाह हो सकता है, कोई निषेध नहीं है, लेकिन गोत्र परिवर्तन की विधि आगम में जो लिखी है वो, इसके अलावा जैन दर्शन को स्वीकार करना और मिथ्यात्व आदि का त्याग करना, ये सारी प्रक्रिया होती है। 2012 में गुरुदेव ने एक गुजराती श्रावक को दिगंबर जैन बनाया और मेरा मानना है कि शायद वो उन आपके दिगंबर जैन श्रावकों से ज़्यादा सेवा करते हैं। अभी वो गुरुजी के बिहार में थे, इंदौर के राकेश शाह उनका परिवार, और अभी तक लगभग 100 बार से ज़्यादा गुरुदेव को चौकल लगा के आहार दे चुके हैं। अब इससे बड़ी क्या बात है, जब कोई नहीं होता तब वो सेवा करने के लिए बिहार में ही रहते हैं। अभी पिछले इस 6 महीने के पीरियड में उन्होंने 800 साधुओं के आहार कराए। तो अगर जैन दर्शन का केवल विषय वासना को न स्वीकार करके वास्तविकता में जैन दर्शन को स्वीकारने की बात है तो उसकी विधि है, आप सब परिवार गुरुजी के पास आएं, या तो गुरुजी के पास चले जाएं या फिर हमारे पास आएं, उसकी विधि है मंत्रों का उच्चारण और साथ में उनके संस्कार और नियमावली, इसके साथ अगर आप जैन दर्शन को स्वीकारते हैं तो आने वाली संतान भी आपके अभिषेक पूजन और आहार का पात्रता रखेगी और आपकी भी पात्रता नहीं जाएगी, ऐसा समझिए। बेंगलोर से शिल्पा जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, मरणकंडिका शास्त्र जी में ऐशना समिति के अंतर्गत आहार ग्रहण करते समय 46 दोष 32 अंतराय का वर्णन है, इसमें कारण दोष से क्या अभिप्राय है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए हेतु से आहार लेना, हेतु पूर्वक आहार लेना, और ये जो 46 दोष की बात है इसको विस्तार से समझना हो तो मूलाचार ग्रंथ में बड़े विस्तृत रूप से दिया है। वो जो कारण दोष है वो किस परिपेक्ष में है वो पहले बताएं, फिर इसका उत्तर व्यवस्थित हो पाएगा क्योंकि ये सिद्धांत का विषय है। बांसवाड़ा से अर्चना जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, आजकल सगाई होने के बाद घर वाले अविवाहित जोड़े को विधान में बैठने के लिए अनुमति देते हैं, क्या ये सही है, और शादी के बाद रोज जोड़े से पूजा करने के का क्या फल मिलता है, और पूजन में पत्नी को पति के किस साइड में बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड या सीधे हाथ की साइड, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात, देखिए सारी विधियाँ आगम में लिखी हैं, अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है और अभी सगाई आदि हुई है, रोका आदि हुआ है, तो साथ में विधान कर लिया तो उसमें कोई पाप नहीं है क्योंकि पंच परमेष्ठी की आराधना है, जब वो इंद्रिय सुखों का सेवन कर सकते हैं, फोन में बात कर सकते हैं, ये पाप कर सकते हैं तो फिर विधान में भी बैठ सकते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है। विवाह के उपरांत शादीशुदा जो है वो अगर परस्पर में साथ में ही पूजन अभिषेक पूजन आदि करते हैं तो सच मानना कि वो आने वाले भाव में निकट भाव में साथ में ही मोक्ष जाएंगे, जैसे भगवान ऋषभ देव और राजा श्रेयांश
ये वज्र जंगो श्रीमती की पर्याय में सातवें धर्म ध्यान में थे तो उसी भाव में भगवान ऋषभ देव के भाव में और राजा श्रेयांश के भाव में मोक्ष भी साथ में चले गए। वो तीर्थंकर और राजा श्रेयांश गणधर बने थे, 84 गणधर में राजा श्रेयांश एक गणधर थे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का बड़ा पुण्य का फल है। जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो अगर साथ में करते तो लाभदायक है। और रही बात कौन से हाथ में बैठने की, पहली बात तो ये है कि एडजस्टमेंट है कि नहीं, नहीं है तो कहीं भी बैठा हो दुखी रहेगा। फिर भी आगम का कहना है कि पत्नी को पति के बाएं हाथ पर बैठना चाहिए तो वो ज़्यादा जीवन सुखकारी रहेगा, पूजन आदि के समय ऐसा समझिए। बड़दा से अमित जैन नमस्कार विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जिस मंदिर में अभिषेक पूजन करते हैं अगर वहाँ वास्तु दोष है तो क्या वहाँ अभिषेक पूजन करना चाहिए या कोई दोष रहता है? देखिए, कुछ वास्तु दोष जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं और कुछ दोष ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं। अगर मंदिर में दोष है तो उसका दोष आपको नहीं है क्योंकि मंदिर एक सामाजिक संपत्ति है। तो अगर मंदिर आदि में कोई वास्तु का दोष किंचित भी है तो उसमें आपका कोई विकल्प नहीं है, आप तो प्रभु की आराधना करें, जो व्यवस्थापक है उसको व्यवस्थित करें। ज़रूरी नहीं है कि दोष हो भी, पहले जानकारी पूरी कर लें। आजकल वास्तु के नाम पर ही सब गड़बड़ हो रहा है, जितने जानकार उतनी ज्ञान। और एक जगह तो अभी लेटेस्ट में मतलब समय हो गया है, लगभग 12-11 साल हो गए, मंदिर टूटा और बहुत सुंदर मंदिर था और तोड़ दिया गया सिर्फ इस बात पर, बोले कि सबके घर ऊंचे हो गए और मंदिर नीचा है। फिर जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन्होंने ही बेंगलोर में पंचकलना कराया और जहाँ पंचकणक कराया वहाँ 14 माले की बिल्डिंग थी और मंदिर 2 माले का था। अब बहाने का क्या होगा? तो अपन चीज़ों को समझें, वास्तु के नाम पर किसी को ठगे ना। लेकिन वास्तु का अगर मंदिर में दोष है तो उसमें श्रावक का कोई दोष नहीं, आप तो परमात्मा की आराधना करें और निर्जरा करें। इंदरगढ़ से नेहल जैन नमस्ते करते प्रश्न पूछ रही हैं, मैंने पूज्य महाराज श्री से आलू का त्याग लिया 5 वर्ष का, लेकिन लेने के बाद परिवार के लोग कहते हैं बाहर जाओगे तो क्या होगा, परेशानी होगी, इसलिए इतने लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए था, तो ऐसे लोगों को उत्तर क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे एक ही बात कहना कि अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम है। परिवार के लोगों से मेरा कहना और आप भी कह देना कि नियम मैंने लिया है, मैं निर्वाहन करूँगी। ज़रूरी थोड़ना है कि आपके कहने से ही काम बनेगा। अगर कोई ऐसा करके अंतरा या विघ्न डालता है, ऐसे जीव को चारित्र मोहनी कर्म का बंध होगा। जो परिवार के लोग हैं और उनसे कहना कि नियम मैंने लिया है, मैं पालूंगी, आपको कहने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है, और टूटेगा तो मैं प्रायश्चित लूँगी। मैंने एक बात कही थी कि जो आपको समझे उसको समझाओ और जो ना समझे जी बोल के आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं। जब मैं मुनि बन रहा था तो मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि क्या करोगे, कहाँ जाओगे, पानी मिलेगा नहीं कुएं का। मैंने उनकी बातें सुनी और आखिरी में कह दिया कि जी मेरी दीक्षा में ज़रूर आना। तो ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने नियम का पालन करें, 5 वर्ष अच्छा अभ्यास हो जाए फिर उसको और आगे बढ़ाएं। ये वो लोग हैं जो स्वयं दुर्गति में जाना चाहते हैं और आपको भी साथ में लेके जाना चाहते हैं, ऐसा समझ। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासा जन हैं आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम पहले जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं योगेंद्र जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे चांदमल जी जैन। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन, मेरी जिज्ञासा है कि हम सांसारिक जीवन जीते हैं, कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर ही जैसे हम विधान या कोई से भी सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो उन सामाजिक कार्यक्रमों में जब विधान में जब हम सब लोग जब कार्यक्रम की उसमें जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर बोली लगाई जाती है, उस बोली के समय वहाँ पर उस विधान उस परिसर में जब बैठे हुए रहते हैं तो कोई से भी परिवार का कोई भी एक सदस्य जो रहता है
उसकी भावना होती है कि मैं इस बोली को मैं लूँ, वो उस भावना के तहत उस बोली को वो ले लेता है। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरे परिवार के आधार पर चलती है पूरी पूरी। लेकिन जब वो उस बोली को लेने के बाद उसका मन तो प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और समाज भी उसकी पूरी प्रोत्साहन करता है। लेकिन जब वो घर पे जाता है तो घर पे जाने के बाद उनके परिवार में इस चीज़ के लिए आपस में मतभेद होते हैं कि भाई आपने एक बार परिवार से पूछना चाहिए था। मेरी जिज्ञासा है कि इसमें उनको परिवार वालों को उनको किस तरीके से अपने भाव रखने चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, प्रसंग हमारे पास पहले भी बहुत आया और आज उसका अच्छा सा खुलासा करते हैं। जब कभी भी बोली लें कोई जीव, एक बात ध्यान रखें कि अगर संयुक्त परिवार है तो वो बोली बड़ा विवेक से लें। अगर परिवार संयुक्त नहीं है तो आप अपने हिसाब से लें। अगर बोली ली है और अगर परिवार में कोई शामिल नहीं हो रहा है तो आप अकेले ही फिर दान देने का भाव रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी एक जगह दान देंगे। हो सकता है कि इसने कहीं और मन बनाया हो या और किसी प्रकार से संपत्ति का उपयोग करना हो। अगर संयुक्त परिवार है तो फिर आपको परिवार में संपर्क करके बात करके ही लेना चाहिए। और अगर किसी ने बोली ले ली है, उनकी भावना थी बोली ले ली है, तो वह अपनी संपत्ति का हिस्सा दान कर सकते हैं, दूसरे के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अभी लगभग 6-7 साल पुरानी घटना है एक स्थान की। पिताजी बोली ले आए, अब वो कई वो पंडित जी रहते ना, चढ़ा देते हैं जो वो 10 लाख 11 लाख 25 लाख, तो उनको चढ़ा दिया और चढ़ा करके उनको 33 लाख रुपए की बोली दे दी, जबकि वही गोली 5 लाख में मिल सकती थी। वो जब घर आए तो बेटे ने कहा कि गलत है, आपको पहले पूछना चाहिए। यद्यपि उनके बेटे ने पूरे पैसे दिए, पिताजी की जो बोली थी वो पूरे पैसे दिए, लेकिन उसका मन धर्म से उचट गया। तो मेरा कहना है अगर संयुक्त परिवार है तो आप पहले परिवार से बात करें फिर बोली लें, और अगर बोली ले ली है फिर अपनी संपत्ति का दान दें। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि अगर छोटे भाई ने बोली ली है तो बड़े भाई के लिए वो बोली नहीं चिपकाई जा सकती, फिर आप ही लें, वो श्रेष्ठ है। अपनी संपत्ति को बेच करके भी आप बोली पूरी करें तो भी कोई पाप नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को ना करें। अगर ऐसी बोलियाँ हो चुकी हैं अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, सेटलमेंट ना करें, कमेटी से बैठ के सेटलमेंट ना करें कि भाई आप कुछ कम ज़्यादा करके अपन एडजस्टमेंट करें। नहीं नहीं, जिन्होंने ले ली है वो उसको पैसे को दान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, अपनी संपत्ति से दें, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन। नमस्ते स्वामी, नमस्ते। प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, इस अवसरपिणी काल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उस समय ये मुनिचर्या मौजूद थी और यथावत इससे पूर्व भी रही होगी, तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिसे ये जानकारी मिले कि आदिनाथ से पूर्व भी किसी ने आहार दान दिया हो या लिया हो? देखिए दादाजी, वो काल का प्रारंभ था, इस अवसरपिणी काल के प्रारंभ था, तो जो भी प्रथम तीर्थंकर होते हैं वही प्रथम मुनि होते हैं और उनकी आहार आदि दान की प्रवृत्ति से दान तीर्थ चलता है। तो राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार दिया तो वो दान तीर्थ के प्रवर्तक थे, और ऋषभदेव ने प्रथम आहार लिया तो वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। तो भगवान ऋषभदेव की वजह तो कोई मुनिराज हुए नहीं थे, ना ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ही प्रथम मुनि होते, वो धर्म की प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन वो अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं, देखते हैं कि विधेय क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को वर्तमान के क्षेत्र में लागू करते हैं, चाहे वर्णों की हो चाहे चर्या की हो, ऐसा आगम कथन है। यद्यपि विधेय क्षेत्र आदि में और इसी भरत क्षेत्र में पूर्व में भी मुनियों की चर्या का व्याख्यान आया है, चाहे उन्हीं ऋषभदेव ने वज्रजंग की पर्याय में क्यों ना दिया हो, लेकिन ऋषभदेव प्रथम मुनि थे और प्रथम आहार लेने वाले थे, इसलिए उनके पहले का कोई और प्रसंग नहीं है। जिन्हें भी जिज्ञासा करनी है संक्षेप में करें। अगली तो एक जगह से अगले तैयार रहेंगी रेणु जी बागलीवाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, ये जिज्ञासा हमारे राजेंद्र जी कासलीवाल, उन्होंने मेरे को परसों नाम लिखाया था कि कल
मैं ये जिज्ञासा पूछूंगा और अचानक उनका कल देहावसान हो गया, मुझे आज दिन में ये एहसास हुआ कि ये प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहिए। क्योंकि वो एडवोकेट थे तो उन्होंने ये प्रश्न जानना चाहा था, जिज्ञासा थी कि भारतीय संविधान में कोई बहुत छोटे किस्म का अगर कोई अपराध होता है, जैसे किसी के घर से आलपिन चुरा लें तो वो क्षम्य अपराध होता है, इसी तरह से अगर कोई देवसाध गुरु के प्रति इस तरह का अपराध कर ले तो क्या जिनवाणी में क्षमा का प्रावधान है क्या? बहुत अच्छी बात है। देखिए, देव सास गुरु की किंचित भी अगर अभिनय हुई हो या अवज्ञा हुई हो या किसी प्रकार की हिंसा आदि हो गई हो, आगम में 24 घंटे 12 महीने हर अपराध के लिए क्षमा है, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, कहीं क्षम्य है, कहीं सजा है, कहीं फांसी है, कहीं लाइफ टाइम प्रेजेंट जीवन पर्यंत का कारावास है, लेकिन जिन शासन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जिन शासन में तपस्या के द्वारा कर्म की निर्जरा का प्रावधान है, तो अगर कोई छोटा या बड़ा पाप हो जाता है तो प्रायश्चित के द्वारा वो क्षम्य है। देखो, आप सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है। सुबह मुझसे प्रवचन में बात कर रहे थे और शाम को, लेकिन निश्चित मानना कि उनकी परिणति बहुत अच्छी थी तो इनकी गति भी निश्चित अच्छी होगी। बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, भले ही मैं बूंदी में अभी आया हूँ, लेकिन वो प्रतिदिन दर्शन करते थे, प्रवचन सुनते थे और मंदिरों के प्रति उनका बहुत श्रद्धांत, श्रद्धा भक्ति थी। तो जो जीव ऐसा है उसके साथ निश्चित शुभ गति होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। भले ही कोई बोले कि वो तो अटैक आ गया, अरे जब ऊपर जाओगे तो कोई ना कोई पुर्जा तो बंद होगा, और सबसे सुंदर तरीका बोलने का है अटैक। और ये तो पुराने केस हैं, पहला केस अटैक का तो लक्ष्मण जी का था, तो इससे कोई विकल्प नहीं है। बाकी निश्चित मानता हूँ कि उनके परिवार के लोगों के लिए एक भले ही शोक का विषय हो, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि बड़ा उनका धर्म के प्रति रुझान था, निश्चित शुभ गति हुई। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे देवेंद्र जी हरसौरा। पहले से ही अपने स्थान पर आए तो माइक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज श्री के चरणों। आप स्थिर हो जाए, पूछिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे मन में किसी के प्रति तो सकारात्मक भाव होते हैं और किसी के प्रति नकारात्मक भाव होते हैं, और किसी के द्वारा भी हमारे लिए कभी सकारात्मक भाव होते हैं और कभी नकारात्मक भाव होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ प्रभु की भक्ति में भी होते हैं, तो हम कैसे सफल जीवन जिए कि हमारे में सकारात्मकता ही रहे बस? देखिए, ये क्रम चलता रहेगा माँ, सकारात्मकता से नकारात्मकता और नकारात्मकता से सकारात्मकता चलती रहेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पद्म पुराण जी में रविशेन स्वामी ने एक बात लिखी है कि जिस व्यक्ति को देख करके नकारात्मकता आ रही है बिना किसी कारण के, न उसने आपका कुछ बिगाड़ा है, न उसको उसको आपसे मतलब है, लेकिन उसको देख करके आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सा रिपु पर लोकता, वो पीछे वाले भाव का जो निकल चुके हैं भाव, उसका शत्रु है आपका, इसलिए उसके प्रति आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, और किसी से आपको कोई प्रीति नहीं है, बात नहीं है, सहज रूप से प्रीति हो जाती, बात करने की इच्छा होती है, आप उसको टिफिन का भोजन भी करा देते हो, बस में ट्रेन में कहीं जा रहे हो और आप बैठा रहते हैं, हाँ भैया बैठो बैठो लो खा लो, किसी बच्चे को बुला लेते हो, कहीं ना कहीं वो पूर्व भाव का आपका मित्र है। तो ये सकारात्मकता नकारात्मक कर्म जनित भी होती है और वर्तमान के आपके राग द्वेष परिणाम से भी होती है। तो इन सबको पॉजिटिव करने के लिए पहले आप जीव को देखें तो आनंद आएगा। और अगर आपका प्रश्न भारत के साधुओं को श्रावकों को समझ में आ जाए तो ये पंचम काल की भूमि फिर से चतुर्थ काल जैसी हो जाए। महाराज श्री, कभी कभी हमारे प्रभु भक्ति में भी ऐसे भाव हो जाते हैं, तो ऐसे में ये भी ऐसा होता है। मैंने कई बार कई श्रावकों को गुरु जी से प्रायश्चित लेते देखा है। एक तो श्रावक आकर के बोल के गया, उज्जैन की बात थी, बोले गुरुदेव मैं रोज मंदिर आता हूँ, पूजन अभिषेक करता हूँ, धार्मिक परिवार से हूँ, लेकिन बोले मैं जब भी मंदिर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मूर्ति खंडित कर दूँ, मूर्ति को देख के लगता है कि बम लगा के उड़ा दूँ, ये उसके शब्द थे। गुरुदेव ने कहा बेटा बहुत अशुभ कर्म का उदय चल रहा है,
लेकिन तू ये भावना मत ला, तू रोज पूजन अभिषेक कर। निरंतर उसने पुनः पुनः भगवान की आराधना करी। ये कर्म जनित भाव है, कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो अपनी जो बुद्धि है वो कई बार कर्म के अनुसार नहीं हो जाती है, तो अपन विकल्प ना करें, वापस आराधना में लगें, पुनः अपना स्वयं का स्थितिकरण करके स्थापित करें। जब भी मन में ऐसे भाव आए कि भगवान के प्रति नकारात्मकता, कि भगवान कुछ नहीं करते, उनकी आराधना करने से क्या मतलब, समय बर्बाद है, मन से कहना कि तू उसकी मत मान जो तुझसे अभी ये कह रहा है, तू उसकी मान जिसकी तूने पहले मानी थी, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मोनिका जैन। मनसासीन गुरुवरों के चरण में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, हमारे जीवन में कर्मों का ही खेल है, जो पूर्व में किए हुए कर्म जो हमारे साथ आ जाते हैं जन्म के साथ, एवं वर्तमान के कर्म भी हमारे साथ उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि श्री कृष्ण जी ने द्वारिका को बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बची नहीं, इसी तरह हमारे जीवन में ऐसे कौन से कर्म हैं जो तो कष्ट निवारण का उनका नहीं हो सकता, लेकिन वह कौन से कर्म हैं जो हम हमारे जीवन में उनका समन कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। देखिए, जो कर्म तीव्र स्थिति के साथ बांधे गए हैं, तीव्र अनुभाग के साथ बांधे गए हैं, उसको तो कोई नहीं, केवली भी नहीं टाल सकते। जैसे द्वारिका का आपने दृष्टांत दिया, जब हरिवंश पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कृष्ण और बलराम ने जब देखा कि द्वारिका में आग लग गई है और वो जो पक्षी आदि भी बाहर उड़ रहे थे उनको उठा उठा कर अग्नि में फेंका गया, जो भी बाहर गया सबको अग्नि में भस्म किया गया, कृष्ण जी के मन में आता है कि परकोटा तोड़ देते हैं तो पानी अंदर आ जाएगा और आग बुझ जाएगी, और पुष्ट कृष्ण जी के पैरों के आघात से ही, मात्र सिर्फ कृष्ण जी के पैर के आघात से परकोटा टूट गया और पानी अंदर, और जैसे ही पानी अंदर आया पानी घी बन गया, आग कई गुनी अधिक हो गई। ये उन जीवों के कर्म का उदय था। तो जो तीव्र अनुभाग से बांधे गए हैं, कोई भी कर्म हो वो अपनी तीव्रता दिखाएंगे, इसको आगम में दारुण्य कर्म कहते हैं। तो ये अपनी तीव्रता दिखाएंगे लेकिन भावों की विशुद्धि से इनको तोड़ा जा सकता है, भावों की विशुद्धि से इनको रोका भी जा सकता है, लेकिन आप समाप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि दारुण कर्म है। आराधना करते रहें तो टूटेगा, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है व्रत आदि करना, तपस्या करना, इससे ये दारुण कर्म टूटते हैं और टूट करके आपको लाभ मिलेगा, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आशा जी जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब महाराज जी मतलब नगर में विहार करके आते हैं तो श्रावक लोग पाद प्रक्षालन करते हैं, तो पाद प्रक्षालन का जो जल होता है वो मतलब कौन सा होना चाहिए, जो अपन हम पीते हैं उसी को शुद्ध प्राशु करना चाहिए या ट्यूबवेल से या कुएं का पानी कौन सा होना चाहिए? देखिए, जब भी मुनिराज के पाद प्रक्षाल करें तो जिस भी द्रव्य से करें सबसे पहली बात वो प्रासुक हो, दूसरी बात जब भी पाद प्रक्षाल करें वो जल जो हो उसकी गालन विधि हुई हो। आप तो बिस्लरी का पानी छान लाओगे फिर क्या करेंगे, कोई लोग आरओ का पानी ले आएंगे तब क्या करेंगे, अजैन बंधु भी क्यों ना हो उनको भी बताएं कि पाद प्रक्षाल के लिए मना नहीं है लेकिन पानी छना हो और छानने के पश्चात उसका जल गालन किया गया हो, यानी बिल छानी डाली गई हो, उसी पानी से पाद प्रक्षाल करना सर्वश्रेष्ठ है। बाकी साधु को पता नहीं है इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा सर। अगली जिज्ञासा के लिए महाराज जी, आपने दो दिन पहले मतलब प्रवचन में कहा था कि साधुओं को एकल विहारी नहीं होना चाहिए, फिर वो देव सात गुरु की जयमाल में आता है कि नगन वेशधारी सु एका विहारी, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, वो जो एकल विहारी का आगम में वहाँ लिखा है वो जिन कल्पी मुनियों का है, और पंचम काल में जो मूलाचार ग्रंथ जो मुनियों के आचरण की विधि वही ग्रंथ सर्वप्रधान है, उसमें लिखा है मामे सत्तु भी एगागी, कि मेरा शत्रु मुनि भी क्यों ना हो वो एकल विहारी ना हो। तो एकल विहार का आगम में स्पष्ट निषेध है पंचम काल में, क्योंकि जो एकल विहारी होते हैं उनके पास वज्र विषभ नाराज सेनन होना चाहिए, बहुश्रुतज्ञ होना चाहिए, चिर दीक्षित होना चाहिए। अब यहाँ चिर दीक्षित के लिए समय ही नहीं है क्योंकि आयु ही नहीं है, तो एकल विहार का यही मतलब है। आरिका माता हों
तो वो आरिका माता जी आरिका के साथ रहेंगी तो एकल विहार टलेगा, छुल्ली का रहेंगी तो भी एकल विहार उनका नहीं टलेगा। ऐसे ही मुनियों की और आचार्य उपाध्याय के साथ हैं, वो 100 आरिकाओं के साथ भी मुनिराज रहेंगे, आचार्य रहेंगे तो एकल विहार रहेंगे। मुनियों के लिए भी मुनियों के साथ रहेंगे तब एकल विहार उनका टलेगा, अन्यथा वो एकल विहारी ही रहेंगे। अब वो चाहे गुरु की आज्ञा हो चाहे परमात्मा की भी आज्ञा हो, लेकिन वो आगम में एकल विहार लिखा है तो एकल विहार रहेगा। छुल्लक आदि एकल विहारी हो ही नहीं सकते, ना ही कहीं छुल्लकों का संग आगम में लिखा है। भगवान समंत भद्र स्वामी ने लिखा है गुरूप कंठे, यानी गुरु के कंठ में, गुरु के आश्रम में रहेंगे, साथ में रहेंगे, ऐसा आगम का विधान है। बाकी जिनकी जो परिणति है उनका वो ध्यान रखे, समाज की जैसी व्यवस्था है समाज ध्यान रखे, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिपाल नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अभी आचार्य श्री की समाधि डोंगरगढ़ में हुई थी, तब मैं मेरे पति देव वहाँ गए थे, तो उनको उनके हस्ती कलश सिर पे रख के उनके समाधि स्थल तक ले जाने का सौभाग्य मिला, तो ऐसा कौन सा पुण्य था गुरुदेव? देखिए बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है, जो साधु परमेष्ठी हैं आचार्य परमेष्ठी, उनका जो देवलोक हुआ शरीर है वो भी पूज्य है। क्यों पूज्य है? यद्यपि लोक में देखा जाता है कि अस्थि तो अशुद्ध है, लेकिन वो अस्थियाँ भी इसीलिए पवित्र है क्योंकि उनकी उन अस्थियों की प्रदेशों में वो आत्मा रह चुकी है जो रत्नत्रय का पालन करती थी, इसीलिए पूजन भी होती है उस शरीर की, लोग वंदना करते परिक्रमा भी लगाते हैं, तो ये सौभाग्य परम सौभाग्य है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि वो वहाँ से राख वगैरह उठा लाए, उन सबसे कहना है कि भैया वहीं वापस छोड़ आना, क्योंकि वो असुचित द्रव्य हैं। श्रद्धा पूर्वक आप उस राख को लगा सकते हैं, वो निर्जरा का साधन है, लेकिन घर तक ना लाएं क्योंकि वो असुचित द्रव्य है। आगम में एक वर्णन आता है जब तीर्थंकर महामुनिराज पंडित पंडित मरण करते हैं, तो सौदर्मिंद्र एक कृत्रिम शरीर बनाकर के उनके नक और केस की स्थापना करके उस शरीर का संस्कार करता है, और उस शरीर की संस्कार की जो राख होती है उससे देवलोक होली खेलते, ऐसा वर्णन आगम में आता है। ये छाती से पुण्य का उदय था ऐसा समझिए। सबको हमने थोड़ी थोड़ी बांटी थी, मतलब फिर रखी नहीं, मतलब घर पर वो चीज ना रखे। वास्तु में एक बात और लिखी, जब कभी आप किसी मंदिर आदि का जीर्ण उद्धार करें, या कोई मंदिर टूट रहा हो दूसरा बन रहा हो, तो उस मंदिर की मिट्टी भी घर ना लेके जाएं, वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। पुरानी वेदी का एक पत्थर भी नए मंदिर में नहीं लगाया जाता, तो इस निषेधात्मक बात का भी ध्यान रखें, श्रद्धा पूर्वक करें, लेकिन अंधी श्रद्धा ना जाए। पूज्य श्री के चरणों में नमस्ते। एक प्रश्न हमारा है कि अगर कोई मुनि भगवंतों से प्रश्न पूछे, रात्रि में भोजन करने जाना है, तो क्या मुनि भगवंत उनको आज्ञा दे सकते हैं? देखिए दिगंबर मुनिराज कृत कायद अनुमोदना से रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं। जो श्रावक हैं उनका कर्तव्य है कि वो उनसे पूछे ही ना। रात्रि भोजन जिसको करना है, जिसका त्याग नहीं है, वो उसका निजी विषय है। मुनियों से पूछेंगे तो मुनियों का निषेध है, और मुनिराज कभी भी हाँ नहीं बोल सकते, और अगर कहीं किंचित उनका इशारा भी हो गया तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं। जब बृहद प्रतिक्रमण करते हैं उसमें मुनियों के 5 महाव्रत के साथ एक छठवा अनुव्रत भी होता है, उसका वो पालन करते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं। रात्रि भोजन त्याग नाम का अनुव्रत मुनियों का रहता है, क्योंकि उन्होंने जिनका सर्वदेश त्याग कर दिया वो महाव्रत, लेकिन भोजन का सर्वदेश त्याग नहीं किया। भोजन का तो एक बार दिन में लेते ही हैं, इसलिए उनको रात्रि भोजन त्याग नाम का अनुव्रत ऐसा आगम में स्वीकार किया गया है। श्रावकों को नहीं पूछना चाहिए, यहाँ तक कि पानी के लिए भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप कौन सा पानी पियोगे पता नहीं। आप अपना आरंभ सारंभ स्वयं करें, मुनियों को उसकी अनुमति से दूर रखें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीपिका जैन। संक्षेप में प्रश्न बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, संक्षेप पूछ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। गुरुदेव, मनुष्य अपनी बुराई को तो छुपाने की कोशिश करता है, परंतु दूसरे की बुराई को उजाड़ करने में क्यों रहता है? देखिए
इन चीज़ों में रस आता है। जो लोग पर की बुराई करते हैं, दोष खोजते हैं, इसमें बड़ा रस आता है, आपको नहीं पता अभी। जो रस आम में नहीं है वो रस निंदा में आता है। इसलिए सिद्धांत में और साहित्य में ऐसे लोगों को कहते हैं निंदा रसालू, उनको निंदा में रस आता है। आप कितनी रसगुल्ला खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, उनको मज़ा नहीं आएगा। जैसे आपने किसी की बुराई करी, हाँ हाँ, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर्म इनको नहीं छोड़ेगा। तो अपन इतना ध्यान रखें, जो निंदा रसालू हैं वो परिवर्तित करें अपने आप को, क्योंकि जो निंदा करते हैं उनका पुण्य कभी जिंदा नहीं रहता है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आराध्य जी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं, और जब सुख आते हैं तब तो अपन घबराते नहीं है, और दुख आते हैं तो अपन ऐसे विचलित क्यों हो जाते हैं? देखिए, जो जीवन में सुख दुख आते हैं वो सब आपके ही बनाए हुए सिस्टम है। जैसे आपके घर में आपको पता है कि गेहूं बार बार नहीं लगता, आटा बार बार लगता है, तो आप किचन की बाजू की नियरेस्ट अलमारी में एक डिब्बा रख लेते हो आटे का, और मसाले वहीं हाथ के पास रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। ये व्यवस्था आपने बनाई है तो चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं। ऐसी कर्मों की व्यवस्था आपने बनाई है तो वो आपको ही उपलब्ध होगी। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता था, आता है, आता रहेगा। संसारी जीवों के लिए ये बताने के लिए कि आप संसारी, अभी मोक्ष नहीं गए। संपत्ति आ गई, वैभव आ गया तो आपको लगता है कि अब तो अपन 16वें स्वर्ग में हैं। नहीं, सुख दुख के बताने आते हैं कि आप संसार में हैं, इनसे उभरना है। तो सुख के दिनों में भी दुख की भावना रखें। जब सुख के दिन चलें तब भी दुखों का चिंतन करें कि सब अनित्य है। ऐसी भावनाओं के चिंतन से वो दुख के दिन जल्दी जाएंगे और सुख के दिन बने रहेंगे। लेकिन ये क्रम चलता रहेगा, किसी को दुख ज़्यादा तो किसी को कम मिलता ही रहेगा। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अदिति जैन। आराध्य जैन कौन है? नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि वैज्ञानिक के हिसाब से धरती जो है वो गोल है, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से धरती थाली के समान चपटी है, तो वो कैसे है? बहुत अच्छी बात बेटा। देखना, मेरे पास एक ग्रंथ है, तो हमसे कल उसका भैया जी से, शुभम भैया से PDF लेना, उसका अध्ययन करना। जिन आगम में लिखा है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, थाली की तरह गोल है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि बॉल की तरह गोल है। बेटा, ये जो कुछ बीच के समय में वैज्ञानिक हुए उसके बाद से हुआ है। भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के पहले तक जो कोर्स बना था, आज़ादी के पहले तक यही बोला जाता कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं। अब वो ऐसा सिस्टम हो गया कि एजुकेशन में इतना अंदर तक जा चुका है। बेटा, बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर पृथ्वी को अपन बॉल जैसा गोल मानते हैं, बॉल जैसा गोल, तो जो रेलवे की पाते डलती हैं ना, जो रेलवे की पटरी होती है, अगर एक बॉल, अगर अपन पृथ्वी को बॉल जैसा मानते हैं, तो वैज्ञानिक कहते हैं हर 10 किलोमीटर के बाद एक 15 फिट का कर्व आएगा, नहीं तो वो गोल, पृथ्वी गोल नहीं बन पाएगी। लेकिन जब भी कभी रेल की पाते डाली जाती है भारत में भी, तो कहीं मोल्ड करके नहीं डालते, सीधी डालते हैं। इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है। DRDO एक संस्था है भारत में, जो ये मिसाइल्स वगैरह छोड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिट करते हैं। उनके बहुत सारे सदस्य बेंगलोर में हैं। मैंने उनसे पूछा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह बम हिट करते हो या कोई डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ करते हो तो क्या करते हो? तो बोले, हम लोग तो एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर की उसमें कीमत होती है। लेकिन मैंने पूछा, पृथ्वी को गोल मानते हो कि चपटी? बोले चपटी, नहीं तो वहाँ पर एक एक इंच का खेल है। तो बेटा, ऐसे और भी प्रमाण आगम में हैं, और इसका एक बहुत बड़ा खोज किया गया लंदन में। एक वैज्ञानिक ने, स्ट्रेट हाईवे है 800 किलोमीटर का लंदन में, उसमें कैमरा फिट करके ट्रक छोड़ा, 800 किलोमीटर दूर तक वो जो कैमरे लगाए गए थे उसमें ट्रक स्ट्रेट चला, कहीं कर्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। अब जो सैटेलाइट में दिखता वो गलत कैसे हो सकता है? आप एक काम करना, कल सुबह उठ के अपने घर की छत पर जाना और घर की छत पर खड़े होकर देखना, आपको ये महसूस होगा कि आप बूंदी के सेंटर में हैं। ऐसा फील होगा, आप देखना। क्यों?
क्योंकि जो अपनी आंखें होती हैं ये जहाँ तक देख सकती हैं उसका क्षेत्रोपम शक्ति है वहाँ तक बराबर चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो सबको स्कैटर करके गोल कर देता है। ऐसी सैटेलाइट ने जो ऊपर से पृथ्वी देखी गलत नहीं देखी, देखी सही है, लेकिन वो एट द एंड जाके जो बॉल जैसी गोल हो गई उसकी कैमरे में इतनी ताकत नहीं है। और भी प्रमाण के लिए वैज्ञानिकों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं, उस पुस्तक को देखना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संतोष जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, अगर हमारे आसपास में या परिवार में किसी से झगड़ा हो तो कितने समय के अंतराल में क्षमा मांग लेनी चाहिए या क्षमा कर देना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो 10 लक्षण पर्व से ही है। वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। 3 बार क्यों आते हैं? हर 4 महीने में, कि ज़्यादा दिन तक बैर भाव ना बने, उत्तम क्षमा, क्षमा वाणी बना लो। लेकिन आगम में लिखा है कि अगर अवृति सम्यक दृष्टि जीव है और 6 महीने से ऊपर कसाए गई है, बैर का भाव गया है, तो नियम से मिथ्यात् में जाएगा। अगर कोई आपके प्रति बैर भाव रखा है या आपका किसी के प्रति बैर भाव है, 6 महीने के अंदर अपनी वार्तालाप करके उस बैर भाव को क्षमा कर लें। संबंध आगे बढ़ाना है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन बैर भाव समाप्त कर लें। 6 महीने से अधिक होगा तो मिथ्यात् में जाएंगे। आपने किसी से क्षमा मांग ली और वो क्षमा नहीं कर रहा, तो वो कसाय उसकी है, हमारी नहीं है। आपने रसीद कटा ली, पैसे दे दिए, अब वो बैंक आपके जो मंदिर वाला है वो पैसा चढ़ाए रहे तो चढ़ाए रहे, आपको निर्माल का दोष नहीं, क्योंकि अपन तो रसीद कटा चुके हैं। आपने क्षमा मांग ली है, आपका बंध खत्म, अब उसका बंध चालू, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आज की परंपरा में थोड़ा बदल गया है, हम किसी की मृत्यु होती है तो 12 से हटकर 3 पर आ गए। 3 दिन में ही सारी प्रक्रियाएं हम संपन्न कर देते हैं, दस्तूर भी कर देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? और इस दौरान जो दान दिया जाता है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, जो ये 30-13 का प्रकरण है ये आगम के बाहर का नहीं है, आगम का ही है। 3रे दिन ही खारी करना चाहिए। कई लोग दूसरे दिन उठा लेते हैं, कई लोग तो आजकल सिस्टम हो गया कि मशीन में डालो और लो और चलते बनो, ये सब आगम के विपरीत है। अग्निकायिक जीवों की आयु 3 दिन की होती है अधिकतम, इसलिए 3रे दिन वो अपन अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। और 13 दिन 12 दिन की अशुद्धि, 13वें दिन शुद्धि, इसका नियम है, तो इसका पूरा पालन करना चाहिए, अन्यथा उसका दोष आपको लगेगा। लेकिन 13वीं का भोजन कभी ना करें, ना कभी कराएं, श्राद्धम न भुंजीत, ये जिन आगम का सूत्र है। और रही बात दान आदि की, असुचि अवस्था में आपका सारा द्रव्य असुचि है, अगर आपके यहाँ सौर सूतक है तो आपके यहाँ जो धान्य भी रखा है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका द्रव्य अभी आपके अशुभ काल के कारण असुचि है। तो अगर कोई मंदिर में भी दान देने की बात हो, आपका मन हो, तो वो मंदिर की अपनी अशुचिता के बाद ही दे सकते हैं, उस काल में आप दान भी नहीं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की बोली नहीं ले सकते हैं, देने की भावना है उस असुचि काल को निकालने के बाद ही दे, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मोनिका जैन। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, आज की जिज्ञासा मेरी दीदी हितांशी जैन जयपुर से है, वो पूछ रही है कि जब अभिषेक करते हैं तो प्रतिमा जी के नीचे कपड़ा लगा देते हैं, तो माता महाराज जी वो कपड़े से ही श्रावकगण अभिषेक मतलब गंधोदक दूसरों को दे देते हैं और उसी कपड़े से फिर प्रतिमा का मार्जन कर देते हैं, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मर्यादा का पालन करें। मैं अभी बूंदी शहर में दर्शन करने गया, तब मुझे लगा कि मैं बूंदी में आया हूँ और बहुत सुंदर भगवान मिले। एक जगह भैया अभिषेक कर रहे थे, उन्होंने कपड़ा लिया और भगवान के नाभि के नीचे रख दिया। मैंने कहा उठाइए उठाइए, बोले क्यों? मैंने कहा ये आप कपड़ा अलग कीजिए पहले, भगवान हमारे धागा भी नहीं लगाते, आप कपड़ा कैसे रख सकते? बोले गंधों तक बहता है, तो मैंने कहा आप नीचे कपड़ा लगाइए। तो आगम की व्यवस्था ये है, जो कपड़ा नीचे लगा देते हैं, भगवान के मार्जन का वस्त्र अलग रखें। गंधों तक कपड़े से नहीं दिया जाता, गंधों तक अपने हाथों से नहीं दिया जाता, गंधों तक चम्मच आदि से देना चाहिए। लोग बार बार उंगली डाल लेते हैं उसी में असुचि,
तो गंधों तक भी असुचि होता है। तो मर्यादा और शुद्धि का ध्यान रखें, जो इनका ध्यान नहीं रखते हैं उनको पाप का बंध होगा। और अगर उसी स्थान पर कोई समझाता है, कसाय करते हैं, तो निरति निकाचित कर्म का बंध होगा जो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन। महाराज जी को मेरा त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आजकल 80% यूथ जनरेशन डिप्रेशन में गुजर रही है। आए दिन न्यूज़पेपर में होता है सुसाइड के केस आते हैं। अभी हाल ही में कोटा में एक अपनी माँ के सामने से सुसाइड कर लिया, तो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी? तो ये महाराज जी, बच्चे क्यों मजबूर होते हैं ऐसा बड़ा काम करने के लिए? देखो माँ, ऐसा है कि मजबूरी का कारण बच्चे ही नहीं, उनकी आने वाली परिस्थितियाँ हैं। मेरा आप सबसे कहना है, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बच्चे ज़रूरी हैं। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ कहीं है, माइंडेड यूथ, तो वो इंडिया में है। और हमारे यहाँ का एक एक बच्चा अरबपति खरबपति बनने का दिमाग रखता है। बस वो आप स्टार्टिंग से ही माता पिता उसको बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बेचारा पढ़ाई के प्रेशर में दुखी रहता है। पढ़ाई अकेले से कुछ नहीं होगा, उसकी बुद्धि पढ़ाई है। राम ने तो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, राम के 12th में कितने परसेंट आए किसी को नहीं पता, तो इससे क्या होगा? महावीर स्वामी ने कौन सी क्लास पढ़ी थी? इनसे कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चों को ही शुरू से मेंटेन करें और बुरा ना माने। सबसे कहना है बच्चियों को घर संभालना सिखाएं और बच्चों को पैसा कमाना सिखाएं, भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से बन जाएगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरुण जैन। द्वेमुन राजू के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के काल में कमट का बेर था भगवान परसनाथ से, तो उसने भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, पर वर्तमान समय में ऐसा कौन सा बेर हो गया साधुओं को, जो साधु ही साधु को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो नमो लोहे सभी साधुओं का मतलब क्या हो जाएगा महाराज जी, और समाज दिशाविहीन हो रहा है, तो इस संबंध में महाराज जी समाधान करें कृपया करके। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई साधु किसी साधु से ईर्ष्या रखता है तो इसको थोड़ा सुधार ले, क्योंकि साधु कभी साधु से ईर्ष्या नहीं रखता, जो रखता है वो साधु नहीं होता। कहते हैं जो नाराज सो मुनिराज नहीं, और जो मुनिराज सो हो नाराज नहीं। अगर ऐसा देखा जाता है कहीं किसी भी दर्शन में, केवल जैन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में भी यही अवस्था चल रही है कि अगर कोई साधु ऊंचा उठता है तो उसको नीचे गिराया जाता है। ये भारतीय सभ्यता बन चुकी है। एक माँ टोकनी में केकड़े रखी थी खुले, वो स्कूल के बाहर सब बच्चों को शिक्षा देने के लिए रखी थी। एक बच्चे ने कहा कि इस टोकनी को बंद करो, केकड़े बाहर निकल जाएंगे। बोले बेटा ये भारतीय हैं, एक को भी बाहर निकलने नहीं देंगे। तो एक केकड़ा जैसे ही बाहर आके बाहर निकलने वाला था, दूसरे उसकी टांग पकड़ खींच लिया। तो ये भारतीय खून में आ चुका है, लेकिन आगम में कथन आया है, दो नग्न स्त्रियां नृत्य करती हुई दिखी हुई हैं। ऐसा जो स्वप्न आगम में आया उसका यही प्रभाव था कि परस्पर में ईर्ष्या भाव रहेगा। ये रंजीत परसों आया है, मुझसे कह रहा था, बोले फलानी जगह मिलन हुआ था, एक महाराज यहाँ से जा रहे हैं और एक महाराज यहाँ से आ रहे हैं। तू कह रहा था ना, नाम मत लेना बेटा, पिटाई हो जाएगी, नहीं तो तेरा भी नाम शांतिधारा में जोड़ दिया जाएगा मेरे साथ। सुन, यहाँ से वो महाराज आ रहे हैं और एक महाराज यहाँ से जा रहे, तो जो आचार्य थे उनके सामने मुनिराज जो निकले, भले ही कितने दीक्षित पुराने हो, उनने साइड से मुंडी ऐसी की और चल दिए। पब्लिक का मुझे नहीं पता, ये जैन नहीं पटेल है, इसको बहुत बुरा लगा। बोले फिर आप साधु किस बात की, तुम प्रवचन क्या देते हो? ये अजैन बंधु मुझसे कह रहा था, बेटा तूने कहा था मुझसे? अगर ऐसा चल रहा है, समाज को दिशा होना चाहिए, समाज को ये सोचना चाहिए, जो साधु निंदा करे या कराए उसका ही बहिष्कार किया जाए, तब समाज में एकता आएगी, नहीं तो कैसे एकता आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है, सब गोदी गोदी में हो गया है, तो जिसको न्यूज़ जो डालना है वो डलेगी, सम्मेत शिखर में कितनी कुछ हो जाए, वो नहीं डालना तो नहीं डालेंगे। ऐसे ही ये हो गया कि आज में समाज में लोग बट गए हैं, बिक चुके हैं, अंधी भक्ति में बिक चुके हैं। कई लोगों को क्षेत्रों में बिठाया दिया जाता है तो वो बढ़िया उसी कुएं का पानी पीते रहते, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। तो
कई लोग ऐसे भी हो गए हैं कि वो अंधे भक्त हो गए हैं। तो मेरा कहना है भैया, निष्पक्ष रहोगे तो तुमको स्वीकारा जाएगा। अब वो दिन बदल चुके हैं, समाज प्रतिबुद्ध हो चुकी है, समाज सब समझती है कौन किसकी निंदा कर रहा है। मेरा सोचना है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, क्योंकि प्रश्न मैंने नहीं कराए तो लोग बोले करवा देते हैं लोग, मैंने कोई प्रश्न नहीं करवाया। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपन नमो लोए सभ्य साहुड़म का पाठ करें और इसी परंपरा को पाठशाला में और बच्चों में पढ़ाएं तो श्रेष्ठ रहेगा। श्रावक की पीड़ा है ये, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो बड़ा दुख होता है। मुझे तो 10-12 साल ये चीज़ देखते हो गए। मैंने गुरुदेव से एक बात कही थी कि मुझे तो लगा था कि मोक्ष मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन ये तो अखाड़े जैसा है कि तुमने पैंच मारा तो मैंने दो पैंच मारे। तो कई बार लगता है कि वो सब असाधु हैं, साधु नहीं हैं, लेकिन फिर भी पंचम काल है, चलता रहेगा। हकूना मटाटा, अपन भी इसका आनंद लें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कुसुम जैन। मंच पर विराजित द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे जब तक परिवार में अपन श्रावकगण दूसरों से तुलना नहीं करते तब तक सब कुछ ठीक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हर दूसरे पल हम अपने पास जो है उसका आभारी होना बंद कर देते हैं, ये हमारी कौन सी मनोस्थिति? देखिए, ये तीव्र लोभ कसाय है। क्या होता है कि जीव अपने पास जो चीज़ है उससे आकर्षित नहीं होता, जो दूसरे के पास है उससे आकर्षित होता है। ये उसके लोभ कसाय हैं, ये उसकी आकांक्षाएँ हैं, ये उसकी अभिलाषाएँ नीचे ले जाएगी। इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बड़े एक ऑफिसर आए थे अपने पास देवपुरा में, वो कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों के लिए बंगला बना के दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने पड़ोसी की जैसे कार तो ली नहीं। तो इन सब चीज़ों से आपके गुणों की हानि होती है। अपना अपना लोटा छाने, दुनिया का कुआं छानते रहेंगे, सबको देखते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपका घर 5 माले का, अंबानी का 35 माले का, क्या करोगे? तो अपने पर आए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नमस्ते गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अनीता सेठिया। गुरुवर के चरणों में शशत नमन। महाराज जी, मेरा ये पूछना है कि मेरे से व्रत उपवास नहीं होते हैं, तो ऐसे में कर्मों की निर्जरा कैसे करें? बहुत अच्छी बात, यही मेरा प्रश्न गुरु जी से था कि हमसे उपवास होते नहीं, उपवास करें तो हमारी तो आत्मा भटक जाती है। तो जब मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बेटा उपवास करना ही तप नहीं है, उपवास करना भी तप है। उनोदर कर लें, जितना आपको भोजन रुचता है उसमें से आधी रोटी कम कर दें, पानी पी लें, थोड़ा एक चम्मच चावल कम ले लें, एक सब्जी कम कर लें, एक रस का त्याग कर लें, इससे भी पुण्य मिलेगा। आप समझना जो उपवास कर रहे हैं उन्होंने एक बार में 100 का नोट कमा लिया। अपन छोटे छोटे त्याग करके दिन भर में 100 कमा सकते हैं। स्वाध्याय कर लें, कायोत्सर्ग कर लें, दोनों हाथों को हाथों पर रख करके बैठ जाएं, शरीर के ममत्व का त्याग 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हाथों का चल हलचल हलन चलन नहीं और वचनों का भी वाचन नहीं, मौन पूर्वक। इसमें भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो जाएगी। तो 12 तप हैं, जो उपवास कर रहे हैं वो एक ही तप कर पाएगा। आपके पास तो पूरे 12 तप हैं, 1 घंटे का उपवास कर लें, 1 घंटे का उपवास कर सकते ना, 3 घंटे का उपवास कर लें, रस का त्याग कर लें, उनोदर कर लें, इस प्रकार से भी आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। मेरा आजीवन उनोदर का नियम है, मुझे जितनी भूख लगती है मैं उससे 70% ही आहार करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे उपवास नहीं होते। लोग मुझसे टोकते रहते कि आप आहार कम कर रहे हो, तो जो 5 रोटी खाता था उसने 2 साल तक 4 रोटी खाई तो भूख कितने की हो गई? अब वो उसने 5 साल तक 4 रोटी खाई, अब भूख कितने की हो गई? अब उनोदर करेगा तो 1 रोटी कम करेगा। तो माँ उनोदर करते करते तप भी बढ़ेगा और भोजन भी अपने आप कम हो जाएगा, इस प्रक्रिया में आएंगे तो निर्जरा भी होगी, संकलेशता भी नहीं होगी। और उपवास करना ही सब कुछ नहीं है, मन की विशुद्धि कर रखना भी बहुत कुछ है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की